नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डिस्क हर्निएशन के बारे में, कॉमनली जिसे हम स्लिप डिस्क भी बोलते हैं। आज हम ये जानेंगे स्पाइन मॉडल के द्वारा। हम बात करेंगे पहले कि नॉर्मल स्पाइन कैसे होता है और डिस्क हर्निएशन क्या होती है, क्या स्टेजेस होते हैं डिस्क हर्निएशन के। मैं हूँ डॉक्टर ईशान नेरकर, मैं ब्रेन और स्पाइन सर्जन हूँ, मैं नासिक महाराष्ट्र यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। पहले हम जानेंगे कि नॉर्मल स्पाइन क्या होता है। ये स्पाइन की हड्डियां होती है, रीढ़ की हड्डियां होती है, इन दोनों के बीच में जो है इसे हम बोलते हैं डिस्क। डिस्क जो होती है ये बेसिकली जितना आपका बोन है वहां तक ही सीमित होती है। इसके पीछे होती है, येलो कलर में अपने को दिख रही है, स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालती है, स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरीके से फ्री होती है स्पाइनल कैनाल के अंदर। स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो नसें होती है वो इस तरीके से दिखती है, जो काफी फ्री होती है, जिनमें कोई भी प्रेशर नहीं होता है। उसके कारण आम आदमी में कभी भी उठने बैठने में या चलने फिरने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम जानेंगे कि स्लिप डिस्क होती किस चीज में है। तो बेसिकली सर्वाइकल यानी ऊपरी हिस्से, जो स्पाइन का ऊपरी हिस्सा जो होता है, जो पहले 7 वर्टिब्रल होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सर्वाइकल स्पाइन। जो बीच के 12 होते हैं उन्हें हम बोलते हैं डॉर्सल स्पाइन, और नीचे वाले जो 5 होते हैं उन्हें हम बोलते हैं लंबर स्पाइन। तो स्लिप डिस्क जो होती है वो सबसे कॉमनली दिखाई देती है लंबर रीजन में। L4-5 और L5-S1 ये दो डिस्क जो होती है वो सबसे ज्यादा प्रोन होती है डिस्क हर्निएशन के लिए। सेकेंड नंबर पे आता है सर्वाइकल रीजन, और लास्ट में आता है, बहुत कम बार देखने मिलता है कि डॉर्सल रीजन में स्लिप डिस्क होती है। तो सबसे पहले बेसिकली हम जानेंगे कि स्लिप डिस्क होती क्या है। तो डिस्क जो होती है वो दो हिस्सों में बटी होती है। जो बाहरी हिस्सा होता है वो एक टाइट बैंड लेयर होता है जिसे हम एन्युलस बोलते हैं, और जो ये पीला वाला एरिया है ये लिक्विडिश लेयर होता है, जो इनर लेयर होता है जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो बेसिकली जब बाहरी हिस्सा जो होता है एन्युलस, उसमें जब टेयर बैठता है, उसको वो फटने के वजह से जब ये लिक्विडिश लेयर बाहर पुश होता है तो इसे हम कहते हैं डिस्क बल्ज। ये डिस्क बल्ज जो स्टेज होती है, पहली स्टेज, उसमें सिर्फ एक डिस्क बल्ज होता है स्पाइनल कॉर्ड पे, कोई भी बाहर अंदर वाला जो हिस्सा है वो एन्युलस के बाहर नहीं आता है, जैसे इस पिक्चर में अपन देख रहे हैं। पर जब ये सिवेरिटी बढ़ती है और जब ये एन्युलस टियर पूरा फुल लेंथ होता है, जिसके वजह से जो अंदर का न्यूक्लियस होता है वो पूरा बाहर जब आ जाता है, और बाहर आने के वजह से वो स्पाइनल कॉर्ड पे जब प्रेशर देने लगता है, तो इसे हम बोलते हैं डिस्क हर्निएशन। डिस्क हर्निएशन जो होती है वो बेसिकली 3 तरीके की होती है। जब अंदर की तरफ सेंटर में जब होगी तो उसे बोलते हैं हम सेंट्रल डिस्क हर्निएशन, वो स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर देगी। जब साइड में होती है इस तरीके से तो हम उसे बोलते हैं पैरासेंट्रल डिस्क हर्निएशन, और जब कंप्लीट लैटरल हर्निएशन जब होता है तो उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा फोरामिनल डिस्क हर्निएशन। एक्स्ट्रा फोरामिनल डिस्क हर्निएशन बहुत रेयरली पाया जाता है, कॉमनेस्ट होता है सेंट्रल डिस्क हर्निएशन और पैरासेंट्रल डिस्क हर्निएशन। अब बेसिकली क्या होता है, जो भी डिस्क हर्निएशन में सिम्टम्स होते हैं, सबसे कॉमनेस्ट सिम्टम जो होता है वो है बैक पेन, लेग पेन, रेडिएटिंग पेन होता है जो कि हिप से लेके पैरों तक, तलवे तक जाएगा। जब सर्वाइकल रीजन में स्लिप डिस्क होती है तो यूजुअली शोल्डर से लेके हाथों की उंगलियों तक ये पेन जाता है, नमनेस रहता है, सेंसरी डिफरेंस रहता है, टिंगलिंग नमनेस होती है। तो ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं बिकॉज आपकी स्पाइनल कॉर्ड पे और जो नसें निकलने वाली होती है उन पे ये हर्निएटेड डिस्क प्रेशर डालती है। अब इसमें अपन देखेंगे कि ये जो है, ये फोटो में हमने दिखाया हुआ है डिस्क बल्ज जो ये नस को दबा रही है। अब ये नस को दबाने के वजह से जो नॉर्मल नस को मूवमेंट करने के लिए जो स्पेस होती है वो इसमें नहीं मिल पाती है, वो प्रेशर के वजह से बेसिकली अपने को स्लिप डिस्क के सिम्टम्स दिखते हैं। जो रेड फ्लैग साइंस है
यूजुअली वो होती है अगर कोई वीकनेस डेवलप हो गया हो, या तो फिर फूड ड्रॉप डेवलप हो गया हो, या तो फिर अगर पेशेंट को यूरिनरी कंप्लेंट्स है, तो इसे हम कहते हैं रेड फ्लैग साइंस। इन रेड फ्लैग साइंस में यूजुअली सर्जिकल इंडिकेशन इमीडिएटली लेना जरूरी होता है। अब हर हर्निएटेड डिस्क को एक सरीखे ही ट्रीटमेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। ट्रीटमेंट बेसिकली डिपेंड करती है कि किस टाइप का, कौन सी स्टेज का आपका स्लिप डिस्क है। अगर डिस्क बल्ज है तो उन पेशेंट्स में यूजुअली सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। फिजियोथेरेपी, मेडिसिन और इन सब चीजों से यूजुअली ये ट्रीटमेंट सफिशिएंट रहती है और पेशेंट को कंप्लीट बैक पेन से रिलीफ मिल सकता है। जब भी ऐसी कोई सिम्टम्स है जो बहुत ज्यादा रेडिएटिंग पेन अगर है, न्यूरोलॉजिकल क्लॉडिकेशन है, यानी अगर आप 50-60 स्टेप चलने पे ही आपको पेन हो रहा है, बैठने की इच्छा हो रही है, बैठना पड़ रहा है, या फिर अगर लेग पेन है, बहुत ज्यादा वीकनेस है आपको, अगर फुट ड्रॉप जैसा तकलीफ है, तो इन पेशेंट्स में यूजुअली सर्जरी का जरूरत पड़ सकता है। तो इम्पोर्टेंट बात समझना ये है कि हर स्लिप डिस्क पेशेंट में एक सरी का ट्रीटमेंट नहीं होता है। कई पेशेंट्स में बेसिकली पेशेंट को एग्जामिन करने के बाद, उनका एमआरआई देखने के बाद और उनका हिस्ट्री देखने के बाद, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है कि आपकी ट्रीटमेंट मोडालिटी क्या होगी। 80% पेशेंट्स में यूजुअली विदाउट सर्जरी काम चल जाता है, पर जिन पेशेंट्स में अगर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट फेल हो गई हो या फिर ऑलरेडी रेड फ्लैग साइंस हो, जैसे कि वीकनेस है, बहुत ज्यादा रेडिएटिंग पेन है, पेशेंट को उठने बैठने में तकलीफ हो रही है, तो इन सब पेशेंट्स में यूजुअली सर्जरी करके एक फास्टर रिलीफ पाया जा सकता है। तो हर्निएटेड डिस्क के बारे में अधिक जानकारी के लिए, या फिर आपको किस तरीके की ट्रीटमेंट आपके डिजीज के लिए या आपकी तकलीफ के लिए वाजिब है, ये जानने के लिए आपको आपके स्पाइन स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है। तो ये था आज के टॉपिक के बारे में कि हर्निएटेड डिस्क होती क्या है, ये क्यों होता है और इसके ऊपर क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोडेड है ट्रीटमेंट मोडालिटीज इन स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में, क्या हर्निएटेड डिस्क पूरी तरीके से क्योर हो सकती है, क्या एक्सरसाइज हमने हर्निएटेड डिस्क पेशेंट में करनी चाहिए, क्या एक्सरसाइज हमने हर्निएटेड डिस्क पेशेंट में नहीं करनी चाहिए, इन सारे टॉपिक्स पे ऑलरेडी वीडियोस बने हुए हैं। कृपया करके उन वीडियोस को जरूर देखिए। और हर्निएटेड डिस्क के बारे में अगर अधिक जानकारी आपको चाहिए तो नीचे के दिए हुए नंबर्स पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।